हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मेरी पर्सनली फेवरेट टमाटर की चटनी। इस टमाटर की चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, तो किस तरह से टमाटर की चटनी को स्टोर किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैंने 9 टमाटर लिए हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और बिल्कुल पके हुए टमाटर लेने हैं, बिल्कुल लाल पल्पी टमाटर लेने हैं फ्रेश। तो आप टमाटर देख सकते हो उस तरह के बिल्कुल फ्रेश पल्पी रेड टमाटर लेने हैं, जिससे चटनी का कलर काफ़ी अच्छा आता है, और पके हुए होने से इसमें पल्प भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो इस तरह के हमें टमाटर चूज़ करने हैं चटनी बनाने के लिए। अब इन टमाटरों को उबलते हुए पानी में डालकर करीब 10 से 15 मिनट के लिए उबालना है, कि जब तक कि टमाटर का छिलका बिल्कुल अलग ना होने लग जाए टमाटर से, और बिल्कुल टमाटर अच्छे से पक ना जाए। और आप देख सकते हो टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं और इनका छिलका इस तरह से अलग होने लग गया है। अब इन सभी टमाटरों को पानी से निकाल लेना है। यह टमाटर निकाल कर मैंने थोड़े ठंडे कर लिए हैं, और ठंडे होने के बाद इन टमाटरों का छिलका इस तरह से निकाल देना। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से छिलका अलग हो जाता है। तो इस तरह से सभी टमाटरों का छिलका निकाल लेना है हमें। इस तरह से छिलका निकाल कर जब चटनी बनाते हैं तो चटनी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूद आता है। तो आप भी जब भी चटनी बनाएं टमाटर की, तो इस तरह से उबाल कर छील कर बनाएं। कच्चे टमाटर को भी हम पीस कर फिर पका कर भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन इससे कलर और टेस्ट दोनों ही काफ़ी अच्छा आता है इस तरह से बनाने से। तो अब इस तरह से मैंने सभी टमाटर छील कर तैयार कर लिए हैं। अब या तो आप इनको हाथ से मैश कर सकते हो, या इस तरह से किसी भी हैंड चॉपर या इलेक्ट्रिक चॉपर से आप इसको चॉप कर सकते हो। तो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसको, हमें छोटे छोटे चंक्स में चाहिए ये टमाटर, बिल्कुल दरदरा सा पिसा हुआ इस तरह का टमाटर चाहिए हमें। तो आप चाहो तो इसको मैश भी कर सकते हो, या इस तरह से चॉपर में भी इस तरह से चॉप कर सकते हो। चॉपर में चॉप करते हैं तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, इन सबको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ही लिया है। आप चाहो तो इनका पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जब टमाटर की चटनी सरसों के तेल में बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब उसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, और साथ ही 1/4 चम्मच राई भी डाल देंगे, और राई जब चटकने लग जाए तब उसमें 1/4 चम्मच हम हींग भी ऐड कर देंगे। हींग से चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है। और अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज पहले मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अदरक लहसुन पहले डालते हैं तो वो जल्दी से पक जाते हैं, और प्याज को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्याज पहले डालें और उसके बाद अदरक और लहसुन डाल दें बारीक कटा हुआ। और अब इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक इनका कच्चापन निकल जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का कच्चापन निकल जाए तब तक पकाना है। और अब इसमें 1 हरी मिर्च भी डाल देंगे, और अब इन सबको करीब 1 मिनट के लिए पका लेंगे, और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और इन सबको डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से चटनी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। अब इन सभी मसालों को हमें करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और उसके बाद इसमें हम पिसा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को डालकर एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब इस चटनी को ढककर हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद चटनी को चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हो चटनी काफ़ी थिक हो चुकी है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून गुड़। अगर आप इसको स्टोर कर रहे हो तो आप इसमें चीनी ऐड करें। चीनी ऐड करने से चीनी प्रिजर्वेटिव का काम करती है इसमें, और काफ़ी लंबे समय तक ये चटनी ख़राब भी नहीं होती है। और हम इसको अगर स्टोर करके रख रहे हैं 5-6 महीने के लिए, तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पून सिरका, यानी जो हम चाइनीज़ फूड में डालते हैं विनेगर, वो इसमें ऐड कर देना है, जिससे चटनी 5 से 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।
मैंने यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में चटनी नहीं बनाई है, तो मैं इसको स्टोर करके नहीं रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिरका का यूज़ नहीं किया है और चीनी की जगह मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। अगर आप स्टोर करके रख रहे हो तो आप इसमें चीनी और सिरका ज़रूर ऐड करें। और आप देख सकते हो चटनी का साइड से ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब तैयार है ये टेंगी सी टमाटर की चटनी। यकीन मानिए ये चटनी इतनी टेस्टी होती है, बच्चे बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें।